हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हैं स्पीड 16। सो गाइस आज बात करेंगे एस क्रॉस। जी हाँ, मारुति ने अपनी पहली डिजिटल लॉन्चिंग कर दी है। आज करीब 11 बजे मारुति के सीनियर मेंबर्स ने इसकी लॉन्चिंग की। ऑफिशियली ये कार अब लॉन्च हो चुकी है पेट्रोल में, जो कि BS कंप्लाइंट होगा। आइए आज जानेंगे इस कार के बारे में, क्या इंटीरियर में, क्या एक्सटीरियर में और क्या ऐसी अदर चीज़ें हैं जिसमें कि मारुति ने इम्प्रूवमेंट की है और क्या खास है इस कार में जो इसे मार्केट सेल्स इसकी इंक्रीज़ करेगा। तो बने रहे वीडियो में, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इंजन की, क्या खास है इंजन में। इंजन को 1.5 लीटर के साथ लॉन्च किया गया है। ये के सीरीज़ का इंजन है और कंपनी जो क्लेम कर रही है वो 8.55 की एवरेज क्लेम कर रही है, जो कि आपको इस कार से मिलने वाली है। और ये कार हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च की जा रही है, जो कि ऑलरेडी यूज़ की गई है आपकी ब्रेज़ा में और XL6 में, इसके अलावा सियाज में। ये सारी टेक्नोलॉजी इनमें यूज़ की गई है ऑलरेडी। काफ़ी डोमिनेटिंग और एग्रेसिव जो इसका स्टांस है वो अपने आप में काफ़ी अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को। इसके अलावा जो इसकी फिनिशिंग दी गई है क्रोम की ग्रिल पे, वो अपने आप में एक क्लासी और यूनिक नज़र आती है। अगर देखा जाए ये कार काफ़ी बोल्ड और यूनिक नज़र आती है और कॉन्फिडेंट काफ़ी ज़्यादा दिखती है ये कार अपने आप में। अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छी कार नज़र आती है। शार्प LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसमें आपको मिलते हैं, इसके अलावा सिग्नेचर LED DRLs आपको इसमें मिलते हैं। इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट मिस्टर CV रमन ने कहा ये काफ़ी वेल बैलेंस्ड कार है और काफ़ी अच्छी कार है अपने सेगमेंट की और कम्पीट करने वाली है डस्टर को और इसके अलावा सेल्टोस को, और भी काफ़ी सारी कार हैं जिनको ये कर सकती है, बट जितना नज़र आ रहा है इन कार को काफ़ी ज़्यादा ये हिट करने वाली है। और जैसा कि मारुति सुजुकी के ऑफिशियल्स ने कहा है कि ये कहीं ना कहीं मारुति सुजुकी के जो मार्केट शेयर है उसको इंक्रीज़ करने वाली है कार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम फीचर्स की तरफ, क्या खास फीचर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। आपको इसमें ऑटो स्टार्ट स्टॉप मिलने वाला है, इसके अलावा ब्रेक असिस्ट आपको इसमें मिलेगा, इसमें 4-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको मिलेगा और 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको इसमें मिलने वाला है। हिल होल्ड असिस्ट आपको इसमें मिलने वाला है। आइए इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर में आपको इसमें क्रोम फिनिश की कुछ एलिमेंट्स इसमें नज़र आएंगे इंटीरियर में। इसके अलावा आपको सॉफ्ट टच इंस्ट्रूमेंट पैनल इसमें मिलने वाला है। कोऑर्डिनेटेड सीट फैब्रिक डिज़ाइन इसमें आपको मिलेगा, लेदर सीट्स आपको मिलेंगी जो काफ़ी अपने आप में यूनिक और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ लॉन्च की गई हैं। इसके अलावा इसमें प्रीमियम लेदर यूज़ किया गया है कार में। एक नया कस्टमर, जो न्यू जनरेशन का कस्टमर है, उसको काफ़ी अट्रैक्ट करने के लिए इस कार को बनाया गया है। वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इस कार के अंदर दी गई हैं। इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा, रेन सेंसिंग वाइपर आपको इसमें मिलने वाला है, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVM आपको इसमें मिलने वाले हैं। काफ़ी बोल्डर लुक के साथ ये नज़र आएगी। कोई एस्थेटिक इतना मेजर चेंजेस नहीं हुआ इस कार में, बट एक बोल्ड ब्रॉड टायर आपको इसमें मिल सकते हैं। लो वाइब्रेशन आपको इसमें मिलेगी, जो इम्प्रूवमेंट की गई, जो VAVs किए गए हैं उसमें वाइब्रेशन और नॉइज़ पे काफ़ी कंट्रोल किया गया इस बार इस कार के अंदर। हाई रिजिड फ्रेम मिलेगा, जैसे कि कंपनी क्लेम कर रही है कि आपको ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी कार मिलने वाली है। लाइक इसमें सारे साइड क्रैश और फ्रंट क्लोजर और सारी चीज़ें आपको टेस्टिंग करके ही प्रोवाइड की गई है। हालांकि ग्लोबल NCAP में अभी इसका टेस्ट नहीं हुआ है, बट कंपनी ने अपने इंटरनल टेस्टिंग में इसको अप्रूवल दे दिया है। अब देखना होगा कि वो इंटरनल अप्रूविंग कैसी होती है। इसके बाद बात करते हैं, इसमें सीटिंग ऑप्शन वही सिमिलर रहने वाला है, पुराना सीटिंग ऑप्शन आपको मिलने वाला है। तो ये काफ़ी रिफाइंड SUV क्लेम कर रही है मारुति सुजुकी की, आपको रिफाइंड SUV मिलने वाली है मार्केट में। आइए आगे बढ़ते हैं, इसमें किस वेरिएंट में और कितने प्राइस में आपको ये मिलने वाली है। अगर AMT की बात करें तो AMT में 3 वेरिएंट आपको मिलेंगे, डेल्टा, जेटा और अल्फा। स्टार्टिंग इसकी होगी एक्सशोरूम 10.8 से और 12.4 तक इसकी लास्ट फिगर रहेगी। और मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फा वेरिएंट्स मिलेंगे। और इसकी स्टार्टिंग जो रेंज होगी वो 8.39 से लेके 11.15 एक्स शोरूम रहने वाली है। तो देखना ये होगा कि कार अपना जो प्रीवियस एक मार्केट शेयर है उसको कंटिन्यू कर पाती है या फिर इसको इंक्रीज कर पाती है, रिड्यूस कर पाती है। देखना होगा कि आने वाले टाइम में ये कार कैसे परफॉर्मेंस करती है। गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर अच्छा नहीं लगा तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं, बट उसके लिए कमेंट ज़रूर करें कि क्या अच्छा नहीं लगा आपको। सो गाइस इसी के साथ विदा लूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।